हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे इक्वेशंस पढ़े हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन के आपके पास एक सोल्यूशन होता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके कितने सोल्यूशन होते थे? दो सोल्यूशन होते थे, ठीक है, मैक्सिमम। और क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम थ्री सोल्यूशन होते थे। हम लोग इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है? जैसे हमने ये कह दिया, हमारे पास एक सिस्टम लिखा हुआ है साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स ऐसे बहुत सारे एक्स होंगे जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं, अब सिंपल इस ग्राफ को देख लो। ये साइन एक्स का ग्राफ है और हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स जो होता है ये बाउंडेड फंक्शन होता है। बाउंडेड फंक्शन का मतलब कि हमेशा वन और -1 के बीच में ऑसिलेट करता रहता है, ठीक। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये वन कंप्लीट साइकिल इसकी हुई, फिर अनदर कंप्लीट साइकिल होगी और ये ऐसे ही एंडलेस चलता रहेगा। हमें ये देखना है कि साइन एक्स जीरो कब होता है। तो साइन एक्स जीरो कब होता है? एक तो यही वैल्यू हो गई एक्स की, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई जो कि साइन एक्स है। तो हम लोग कहते हैं कि एक ये सोल्यूशन हो गया, मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो। दूसरा यहाँ पे है, ये एक्स इक्वल्स टू कितना होगा? पाई होगा। तीसरा क्या हुआ? ये यहाँ पे है, एक्स इक्वल्स टू 2 पाई, और फिर ये 3 पाई, और ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के एक सोल्यूशन नहीं है, ना दो सोल्यूशन है, ना तीन सोल्यूशन है, देयर आर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, ठीक। अब ये तो पॉजिटिव सोल्यूशंस हैं। अगर हम लोग एक्सिस को एक्सटेंड कर दें और हम लोग पीछे आए, जब पीछे आएंगे तो आपका जो सपोर्टिंग ग्राफ है या ये लाइन बाउंडेड फंक्शन है, ये इधर भी ऑसिलेट करता रहेगा इसी तरह से। इसका मतलब कि ये वाला भी सोल्यूशन होगा और ये वाला सोल्यूशन कितना होगा आपका? -π होगा। इसी तरह से यहाँ -2π आएगा, -3π आएगा, मतलब आपके पास एंडलेस सोल्यूशन है, निगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी है, जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि साइन एक्स जीरो है, ठीक है। अच्छा, इसी सोल्यूशन को अगर दूसरी तरह से हम सोचते हैं, तो ये मान लीजिए रेफरेंस लाइन है, यहां भी रेफरेंस लाइन है ये। तो हम लोग ये कहते हैं, जैसे हम यूनिट सर्किल में हम लोग पढ़ रखे हैं कि आपके पास जब यूनिट सर्किल हुआ करता था तो सर्किल का कोई भी पॉइंट अगर हम पिकअप करते थे, तो किसी भी पॉइंट को जब पिकअप करते थे तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस ऑफ एक्स को बताता था, और वाई कोऑर्डिनेट किसको बताता है? वाई कोऑर्डिनेट बताता है साइन ऑफ एक्स को बताता था। तो यहाँ पे जो एक्स लिया गया है वो जीरो लिया गया है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1, 0। 1, 0 होने का मतलब क्या हुआ? कि ये जो जीरो है वो साइन एक्स है। इसका मतलब साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये एक्स इक्वल्स टू जीरो इसका क्या है? आपका एक सोल्यूशन है। तो यहाँ से दिख रहा है एक्स इक्वल्स टू जीरो इज वन ऑफ द सोल्यूशन। लेकिन हम लोग, हमें पता है कि ये लाइन सेम प्लेस पे आएगी अगर ये वन कंप्लीट रोटेशन कर ले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू जीरो अगर सोल्यूशन है तो एक्स इक्वल टू 0 प्लस 2π। ये हम लोगों ने एक राउंड लिया, एक राउंड का मतलब क्या हुआ? 2π हम लोग और घूम गए। इसका मतलब कि 0 प्लस 2π, 0 प्लस 2π मतलब एक्स इक्वल टू 2π भी इसका एक सोल्यूशन होगा। अगर एक राउंड और हम घूम जाते हैं तो फिर ये एंगल कि आर्म यहीं पे आ जाएगी, और अब की एंगल कितना हो चुका है? दैट इज
टू पाई मोर प्रीवियस वाले से, तो टू पाई पहले था और टू पाई और ऐड हो गया, तो कितना हो गया, फोर पाई सोल्यूशन आ गया। मतलब इस वाले से हम लोग कौन कौन सा सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं, एक ये सोल्यूशन हो गया x इक्व टू जीरो और x इक्व टू टू पाई ये वाला एंड x इक्व टू फोर पाई। तो ये सारे सोल्यूशंस, ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन हमें इस वाले सेट से मिल रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर ये एंगल यहाँ होता, ये आर्म जो एंगल मेजर कर रही है वो यहाँ पे होती, इसका मतलब ये कितना रोटेट करी है, ये रोटेट करी है 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 या पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन रोटेट करी है। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इसका भी माइनस वन कॉमा जीरो होगा और y कोऑर्डिनेट इसका जीरो है। y कोऑर्डिनेट बताता है किसको है, साइन x को बताता है। इसका मतलब कि x इक्वल्स टू पाई भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से एक अलग सेट तैयार होता है जिसमें पहला सॉल्यूशन आ गया पाई। देन अगर हम लोग फिर इसी को आगे कंटिन्यू करें और आगे कंटिन्यू करते हैं टू पाई, फिर हम लोग एक्स्ट्रा चलते हैं या वन कंप्लीट रोटेशन फर्दर लेते हैं तो पाई प्लस टू पाई, मतलब ये कितना आ जाएगा, अगला जो एक्स होगा वो थ्री पाई हो गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट के लिए फिर आपको एक राउंड लोगे आप, फिर यहीं पे आ जाओगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका थ्री पाई जो पहले था और प्लस टू पाई और ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया, ये आपका फाइव पाई हो गया। इसका मतलब कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये एक्सटेंड होता हुआ चला जा रहा है, ये बार बार आपका क्या करेगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, जिसमें आपको पाई जनरेट हो रहा है, थ्री पाई जनरेट हो रहा है, फाइव पाई जनरेट हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगला हम लोग गेस कर सकते हैं सेवन पाई होगा, आगे गेस कर सकते हैं नाइन, मतलब ऑड पाई, ऑड पाई मतलब वन पाई टू वन पाई थ्री पाई फाइव पाई सेवन पाई नाइन पाई ये वाला प्रोड्यूस करेगा। और ये इवन पाई प्रोड्यूस कर रहा है, जीरो पाई टू पाई फोर पाई ये इवन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कि जो ये वाले हैं ऑड वाले हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाई दिस सेट, और ये इस इवन वाला क्या है आपका, ये वाला सेट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हुआ, ये इवन वाले भी हैं, ये इवन वाले भी सेट हैं और ये ऑड वाले भी सेट हैं। मतलब इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू कोई भी इंटीग्रल पाई हो, n पाई, जहां n क्या है, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये n कोई भी नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, अगर कोई कह दे कि ये बताइए साइन 2018 पाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे ऑब्वियस है, इंटीग्रल पाई है, ये एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है, तो अगर इंटीग्रल पाई है तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, चाहे ये इंटीजर ऑड हो या फिर इवन हो, इस सॉल्यूशन से हमें पता चलता है। मतलब ये इवन पाई, एक तरह से इवन पाई कौन से प्रोड्यूस हुआ होगा, यहां से प्रोड्यूस हुआ होगा, यहां कहीं रास्ते में आया होगा x इक्वल्स टू 2018 पाई, ठीक है। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया गया है या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन x इक्वल्स टू जीरो, तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली इंपॉर्टेंट बात है कि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, कोई फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा, या एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन हम नहीं कह सकते हैं, ये एंडलेस सॉल्यूशन रखता है। फिर उनकी उनका नेचर क्या है सॉल्यूशन का, तो हम लोग कहेंगे कि वो x इक्वल्स टू एन पाई टाइप का है, जहाँ पे एन पाई जो है, एन जो है आपका इंटीजर है, इंटीजर का मतलब वन पाई टू पाई माइनस थ्री पाई माइनस फाइव पाई कोई भी इंटीजर हो सकता है, एन इज एनी इंटीजर, ठीक। तो अगर कोई भी क्वेश्चन कहता है कि साइन फाइव पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो चूंकि फाइव क्या है आपका इंटीजर है, तो साइन फाइव क्या हो जाएगा, साइन फाइव पाई जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, और वो जो सॉल्यूशंस हैं वो आप कैसे लिखोगे, वो जीरो हो गया, प्लस माइनस पाई लिख सकते हो, मतलब वन पाई हो गया एक तरह से, प्लस माइनस टू पाई हो गया,
इसी तरह से प्लस माइनस 3 पाई हो गया, तो ये सारे ही इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। मतलब इन जनरल अगर आप लिखना चाहो तो इसे n पाई लिखोगे।